सभी विभागों के अधिकारी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करते हुए केंद्र व राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलवाइए। हमें नकारात्मक सोच नहीं चाहिए। मैं शिकायत में नहीं अच्छे काम में विश्वास रखता हूं। उसके बाद भी काम में कोताही बरती गई तो मुझे बर्दाश्त नहीं। सभी विभागीय अधिकारियों अपने अपने विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं के फ्लैक्स कार्यालय पर लगाए वो उसका प्रचार प्रसार करे। जल मशीन की गाँव गाँव तक पानी पहुँचाने की योजना को हमें 2024 तक पूर्ण करना है, जिससे सभी को पानी मिल सके। यह केंद्र सरकारी महती योजना है। उक्त निर्देश क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र पटेल सिंह ने जनपद सभागृह में सेगांव विकासखंड के अधिकारियों की बैठक में दिए। बैठक में सांसद पटेल ने सभी विकासखंड अधिकारियों से शासन की जनहितैषी योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा करते हुए बीईओ को छात्रवासों में छात्रों को अच्छा भोजन देने व जनप्रतिनिधि को शासन की योजनाओं हितलाभ वितरण के समय बुलाकर उनसे वितरण करवाने के भी निर्देश दिए। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। क्या रीजन लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक दल है जो प्रारंभ से लेकर अंतिम तक प्रत्येक दिन प्रत्येक समय जनता के बीच में जाकर जनता के हित के हिसाब से काम करती है, हमेशा चुनावी मोड पर रहती है। और इसलिए आप सबने देखा है कि जीरो से शुरू हुई पार्टी, जब इस देश में दो सांसद भारतीय जनता पार्टी के होते थे, आज 300 से ज़्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के इस देश में हैं। और इसलिए सतत जनता की सेवा के लिए काम करें। और इसकी एक समीक्षा बैठक विभाग के अधिकारी दलों में करिए। आज पूरे दिन भर में सेगांव के ब्लॉक में कुछ गांव में गया था, कुछ गांव के लोकार्पण, कुछ भूमि पूजन, कुछ लोगों से जनता से मिलना, उनसे हितग्राही योजना की बात करना। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक की तमाम योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू की। अभी लाडली बहना योजना क्षेत्र में चल रही है। कांग्रेस ने भी 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात कही है, 500 रुपये वो गैस टंकी पर देने की बात कही है। इसे लाडली बहना का तोड़ बताया जा रहा है। बीजेपी इसके लिए क्या कह रही है? मुझे लगता है कि जनता ने उनको बहुत अवसर दिए। कांग्रेस को आज़ादी के बाद 70 साल तक इस प्रदेश में और देश में कांग्रेस की सरकार रही है, परंतु उसके बाद भी घरों में शौचालय बनाने की बात, प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से मकान बनाने की बात और उसको पूर्ण रूप देने की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा। 70 साल तक जो गांव में रोड़े नहीं बना पाई, 70 साल तक जो गरीबों के घर नहीं बना पाई, 70 साल तक जो गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड की योजना नहीं बना पाई, वो आज झूठी बातें करने का योजना घोषणाएं कर रही है। और निश्चित तौर पर इस प्रकार के झूठी घोषणा के बाद जनता समझ चुकी है। उन्होंने वादा किया था कि सभी किसानों के कर्जे 2 लाख रुपये तक के माफ़ करेंगे और सभी रोजगार युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को हम 4000 रुपये भत्ता देंगे, सबके बिजली बिल माफ़ करेंगे। उसमें से 15 महीने जनता ने सरकार चलाने का मौका दिया और उसमें से एक भी घोषणा का पूर्णतः पालन नहीं किया। और हम बिना घोषणा के तमाम प्रकार की योजना को लागू करें, इसमें लाडली बहना योजना जो हमारी बहनों के लिए योजना बनाई है, बहनों के जीवन स्तर के लिए योजना बनाई है। और आज उनके फार्म जगह जगह भरवा रहे, लगातार लंबी लाइन पर लगी हुई है और हम तो 1000 रुपये दे रहे हैं और जनता को मालूम है कि अब जब। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।